हेलो एवरीवन, एपिसोड के स्टार्ट में हमें सभी लोगों को विराज के ग्रेव के पास दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो पापे जिंदा था और वह अपने रियल डैड की मौत पर काफ़ी ज़्यादा सेट था। और तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आ जाता है, वह कॉल पिकअप नहीं करता। तो इस पर वाइफ कहता है, क्या आप सच में प्रेसिडेंट को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते? पापा कहता है, कुंभ में कोई तो है जो ये जानता है कि मैं उनका रियल सन नहीं हूँ, तो हम लोग अभी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मेरे डैड पर भी नहीं। और तभी खाम कहता है, मेरी वार्ड में जो मरा था वो विराज अंकल नहीं थे, एक्चुअली में वह पोपा था। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ सुनकर ताई कहता है, हमारा प्लान जैसा वर्क कर रहा है हम वैसा ही करेंगे, हम पोपा को बचाने पर वर्क करेंगे। और तभी पोपा रन से कहता है कि वह कुछ दिन के लिए बैंकॉक चली जाए। इस पर वन पूछती है, और उसका क्या? इस पर पोपा कहता है, मैं यहीं रख कर सब कुछ सच का पता लगाऊंगा। और फिर पोपा वाइफ से कहता है कि वह रन को बैंकॉक ड्रॉप करके आए। इस पर वाइफ कहता है, लेकिन हमारे पास तो कोई कार है ही नहीं, और अगर हम कुंभू की कार यूज करेंगे तो उन लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। तभी ताई कहता है कि वो उसकी कार लेकर जा सकता है। और फिर ताई जाओ से कहता है कि वह उन लोगों को ड्रॉप करके आए। जाओ कहता है, क्या मैं इन लोगों को ड्रॉप करके आऊँ? तो इस पर ताई कहता है, तो क्या मैं जाऊँ? इस पर जाओ कहता है, नहीं मैं ही चला जाता हूँ। और फिर रन पापा का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। तो इस पर पापा अपना सर हमें नोट कर देता है। हम पापा और रन की इतनी क्लोजनेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेट था, और ये बात कहीं ना कहीं ताई भी नोट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ताई और खाम पापा को जाओ के घर लेकर आते हैं। ताई फूफा से कहता है कि वह यहाँ पर नाइट में स्टे कर सकता है। तो इस पर फूफा कहता है, क्या ये ठीक रहेगा? तो इस पर ताई कहता है, जाओ यहाँ पर बहुत ही कम आता है, और ये जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, और यह है मेरे घर से तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी। तभी खाम फूफा से पूछता है, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ फूफा अकेला ही रहेगा? तो इस पर ताई कहता है, तो तुम इसके साथ रह जाओ, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं वापस जल्दी से लेकर आ जाऊँगा। यहाँ सुनकर फूफा ताई से कहता है, थैंक यू, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। और यह कहते हुए वह पीछे घूमता है। खाम देखता है कि पापा की काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वह पापा से कहता है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और यह कहते हुए वह उसे पकड़कर सोफे पर बिठा देता है, और फिर वह उसके शर्ट को निकालकर उसके घाव को देखने लगता है और कहता है, यह तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। यहाँ सुनकर पापा कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इतना ज़्यादा क्लीन पसंद नहीं है? तो इस पर खाम कुछ नहीं कह पाता और कहता है, मैं बस तुम्हारी चोट को देखता हूँ। और यह कहते हुए वह उसकी बैंडेज को निकालने लगता है। ताई को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ से चला जाता है। यह देखकर खाम ताई के पीछे आता है और वह उसे रोकते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर ताई कहता है, क्या तुम्हें अब फूफा का ख्याल नहीं रखना? तो इस पर काम कहता है, हाँ रखना है। तो इस पर ताई कहता है, हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह फिर से जाने लगता है। तभी खाम उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम उससे नाराज हो? क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। यहाँ सुनकर ताई कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, और मेरे रास्ते से हटो। यह कहते हुए वह जाने लगता है, और तभी वह खाम से टकरा जाता है और वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। ताई खाम की तरफ देखने लगता है और वह उसे किस करने के लिए नज़दीक आने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वह क्या कर रहा है। तो वह तुरंत उठता है और वहाँ से चला जाता है। खाम पापा से कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, तुम आखिरकार मुझसे गुस्सा क्यों हो? लेकिन ताई तो वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ हमें चाओ को दिखाते हैं, जो कि वायु और रन को बैंकॉक लेकर जा रहा था। चाओ वायु से कहता है, व्हाट द हेल, मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना पड़ रहा है? इस पर वायु कहता है, हाँ जैसे तुम, मैं तो तुम्हारे साथ जाना ही चाहता हूँ। तो इस पर चाओ कहता है, तो मैं कार को यहीं रोक दूँ ताकि तुम बाहर निकल जाओ? यहाँ सुनकर वायु कहता है, बाहर तुम निकलो। चाओ कहता है, तुम निकलो। और यह कहते कहते वो दोनों बहस करने लगते हैं। यहाँ देखकर रन उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों बस भी करो, और पहले हम लोगों को कहीं पर रुक कर खाना खा लेना चाहिए। चाओ कहता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, और एक तो मेरी फेवरेट जगह भी है। और तभी वायु भी फलोफलो में कह देता है, हाँ पुराने वक्त में हम लोग अक्सर वहाँ पर जाया करते थे, और अंकल हम दोनों को अक्सर डांटा करते थे। यहाँ सुनकर चाओ कहता है, हाँ तुम भी यही किया करते थे। और फिर वह ध्यान देता है कि वो दोनों फिर से क्या बातें करने लगे।
तो यह देख कर रन उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगते हो। इस पर वायु कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इससे नफरत करता हूँ। यह अक्सर मेरे पास हैंग आउट करता था क्योंकि इसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे। यह सुनकर जाओ कहता है, और ये अक्सर मुझे ही फॉलो किया करता था। और यह कहते हैं, फिर से वो दोनों बहस करने लगते हैं और रन ये देख कर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगती है। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहे थे। तभी एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि उसने गेम में चीटिंग की है, जबकि वही पर्सन विनर था। और वह कहता है, क्या तुम उससे मार खाना चाहते हो? और तभी वहाँ पर पोर आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम खाना चाहते हो? वह पर्सन पोर को देखकर कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी पोर उस पर्सन को कंसूट कर देता है। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर लौट रहा था, और तभी सामने उसे एक पर्सन मिलता है जो उससे कहता है, बिग बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वह पर्सन जाओ को बिग बॉस के पास लेकर आ जाता है जो कि पोर था। पोर जाओ से पूछता है, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, वह क्या कर रहा है? इस पर जाओ कहता है, कुछ नहीं, बस हम लोग अक्सर हैंग आउट किया करते हैं। यह सुनकर पोर कहता है, ओह रियली? और यह कहते हुए वह जाओ के हाथ में नाइफ चुबा देते हैं और कहते हैं, वह मुझसे किसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। जाओ दर्द में कराते हुए कहता है, किसी से भी नहीं। इस पर पोर कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे क्वेश्चन का सही सही से जवाब दे दो। बताओ वह किससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमें पुप्पा को दिखाया जाता है जो कि वाई के पास कॉल करता है और उससे कहता है, मैं नोपोन के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शक है कि वह हमसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमें काम को दिखाया जाता है जो कि ताई को ढूंढते ढूंढते रिवर के पास आ जाता है, और तभी वह देखता है कि ताई तो रिवर में नहा रहा था। तभी वह पीछे घूम जाता है। ताई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? खाम कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? अगर तुम मेरी और हेल्प नहीं करना चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से मुझसे गुस्सा हुए तो ये नहीं देख सकता। यहाँ सुनकर ताई कहता है, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन बस मेरे माइंड में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया। खाम कहता है, तुम सच कह रहे हो? तो इस पर ताई कहता है, हाँ वो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस पर खाम उसे थैंक यू कहता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो। इस पर ताई कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और फिर ताई मन में कहता है, और मैं तुमसे कभी नफरत कर भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ताई जब अपने घर आ रहा था तो वह अपने डैड पोर को देखता है जो वहीं पर लेटे हुए थी, और पोर ताई से कहते हैं, तो तुम कैसे हो? इस पर ताई कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह सुनकर पोर कहता है, हमें 3 साल हो गए, तो क्या तुम जरा सा भी मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती? तो इस पर ताई कहता है, मुझे लास्ट टाइम याद है जब हम लोग मिले थे, मैंने आपके गले पर चाकू रखा था। ताई से कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मुझे पता चला है कि कॉप्स मेरे और मेरे कसिनोज के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सन को किडनेप कर लो और उन्हें धमकी दो। यह सुनकर ताई कहता है, और भला ये सब मैं क्यों करूं? तो यह सुनकर पर उसे वीडियो दिखाते हैं जो कि खाम के मॉम का था। यह देखकर खाम घबरा जाता है और वह अपने डैड से कहता है, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? इस पर पोर कहता है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर ताई अपने डैड का कॉलर पकड़ लेता है। पोर ताई से कहता है, तुम जानते हो लोगों को हमेशा सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन करता है? उनके फीलिंग्स। तो ये तुम करना चाहते हो या फिर नहीं, इस बारे में अच्छे से सोच लेना। और यह कहते हुए वह वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वायु पुपा के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि नोमपोन नाम का कोई पर्सन है ही नहीं, और ताई नोमपोन को कभी कभी खाम कहकर बुलाता है। पुपा कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रता में तो खाम नाम का सिर्फ एक ही पर्सन था और उसके भी 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। तो इस पर वायु कहता है, हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो। तो इस पर पापा कहता है कि वो हमसे रिवेंज लेने के लिए भी तो आ सकता है। इस पर वायु कहता है, वह हमारे क्लोज आने की कोशिश कर रहा है ताकि वह हमें पोर के पास लेकर जा सके। पापा वायु से बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर पोर का आदमी आ जाता है और वह पापा से कहता है, बिग बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। और तभी उसके पीछे खाम आ जाता है और वह उस पर्सन को हिट करता है और पापा को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो लोग दौड़
दौड़ते दौड़ते एक जगह आकर छुप जाते हैं। खाम पुपा से पूछता है कि उन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला। तो इस पर पुपा कहता है, ये सब तो तुम्हें पता होगा ना खाम। यह सुनकर खाम तो काफी ज्यादा शोक हो जाता है कि पुपा को उसका रियल नेम कैसे पता चला। पुपा कहता है, इस पूरे वक्त तुम बस हमें धोखा दे रहे थे ना। इनफैक्ट तुम तो खाम हो जो 3 साल पहले मर चुका है, लेकिन वो सच नहीं है। तुम अभी तक जिंदा हो और तुम हमसे बदला लेने के लिए आए हो ना। यह सुनकर खाम कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर पुपा कहता है, तो फिर सच क्या है। खाम कहता है, मेरी अपनी वजह है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं पोर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आई प्रोमिस, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो इस पर पुपा भी फिर मान जाता है और तभी वहाँ पर वायु आ जाता है और वह उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह पेट्रोल पंप के पास रुक जाते हैं। खाम पुपा के पास आता है और उसे बताता है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन उसे डर है कि वह उसे यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। तो इस पर पुपा कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। यह सुनकर खाम वहाँ से चला जाता है और तभी वायु पेट्रोल पंप वाले के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। तो इस पर वह पर्सन कहता है, कुछ प्रॉब्लम होगी, ये फंस गया है। और तभी वहाँ पर पोर के आदमी आ जाते हैं और वायु और पुपा को वो लोग पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। खाम भी वहीं से आ रहा था और वह उन लोगों को देखकर छुप जाता है, लेकिन पोर का आदमी खाम को छुपते हुए देख लेता है। खाम फॉरेस्ट में भाग रहा था और वह भागते भागते एक लकड़ी से टकराकर गिर जाता है। और तभी उसे याद आने लगता है कि ऐसा ही जब वो उड़ता ही जा रहे थे तब खाम टकराकर गिर जाता है और ताई उसे पकड़ लेता है। खाम के पैर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। ताई ये देखकर खाम से कहता है, तुम चल तो मुश्किल से पाते हो और तुम अकेले पुपा को बचाने चले हो। और यह कहते हुए फिर वह खाम को अपने पैर पर उठा लेता है। खाम ताई से कहता है, जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस पर ताई कहता है, और अगर किसी दिन मैं नहीं रहा तो फिर तुम क्या करोगे। इस पर खाम कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे जरूर बचा लोगे। खाम यही सब चूर जाता था और तभी वह देखता है कि वहाँ पर पोर का आदमी आ जाता है और उसे देखकर खाम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो तीनों पोर के हाथों पकड़े जाते हैं। पोर उनके पास आता है और फिर वह पुपा से पूछता है कि तुम ताई के साथ क्यों हो और आखिरकार तुम लोग करने क्या वाले हो। इस पर पुपा कहता है, कुंभू में कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने ताई को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था। तभी वहाँ पर पोर का आदमी आते हुए कहता है, ये सच कह रहा है और हमारे पास एविडेंस भी है। और यह कहते हुए वह वीडियो दिखाता है जिसमें ताई पुपा को गार्ड कर रहा था। यह देखकर पोर पुपा से कहता है, वो लगता है कि मैंने गलत समझ लिया। पुपा कहता है, तो भी हम लोगों को यहाँ से जाने दो। इस पर पोर कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम लोग मेरे गेम से बच पाए तो। और यह कहते हुए वह अपनी गन में गोलियां लोड करता है और फिर वह कहता है, सभी को अपने सर पर इसे शूट करना होगा और अगर जो बच गया मैं उसे जाने दूंगा। और यह कहते हुए वह स्टार्टिंग पुपा से ही करता है। पुपा अपने हेड पर वो गन रख के शूट करता है लेकिन वह बच जाता है। और ऐसा ही जब वायु करता है तो वायु भी बच जाता है, लेकिन जब खाम की बारी आती है तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। पोर खाम को देख कर कहता है, तुम मुझे इतनी जाने पहचाने क्यों लगते हो। ओह हाँ, तुम तो बिल्कुल खाम की तरह दिखते हो, इसलिए तो ताई तुमसे। और यह कहते हुए फिर वह खाम को गन देता है। खाम डरते हुए उस गन को ले लेता है और जब वह शूट करता है तो वह भी बच जाता है। खाम यह देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह पुपा से कहता है, हम लोग बच गए। लेकिन तभी पोर अपने आदमी से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ 2 लोग ही बचने चाहिए। यह सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। पोर उन लोगों से कहता है, तुम लोग सिर्फ यहाँ से 2 ही जिंदा जा सकते हो। और यह कहते हुए वह पुपा से कहता है कि पुपा तुम किसी एक को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम एक खाम को दिखाते हैं जो कि एक जगह रस्सियों से बंधा हुआ था और वह काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब पोर ने पुपा से किसी एक को चूज करने के लिए कहा था तो उसने वायु को चूज किया था और फिर वह वहाँ से चला जाता है। नाइट में दिखाते हैं
काम काफ़ी ज़्यादा रोई जा रहा था और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। मॉम को देखकर काम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो पवाई से कह रहा था, मैं कितना ज़्यादा डरपोक हूँ ना, काम ने मुझे कितनी बार बचाने की कोशिश की लेकिन मैं उसे ऐसे ही छोड़ कर आ गया। तो इस पर वायु कहता है, पो ने आपको फोर्स किया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। इस पर पोपा कहता है, और अगर तुम मेरी जगह होते तो फिर तुम क्या करते। इस पर वायु कहता है, मैं ऐसा प्रिटेंड करता जैसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं कुंफू का प्रेसिडेंट हूँ ना। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें काम को दिखाया जाता है जो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर दाओ और उसकी मॉम आ जाती है। काम को वह छुटवा लेने लगती है। काम उन दोनों से कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इस पर मॉम कहती है कि वह उसे बचाने के लिए आई है और तभी वहाँ पर पुल का एक आदमी आ जाता है जो कि उन लोगों को पकड़ लेता है। वह उन्हें मारने ही वाला था तो काम उनसे बेग करने लगता है कि प्लीज़ वो उनको छोड़ दे। उसी ने उनको बचाने के लिए कहा था जबकि वह तो ब्लाइंड है। यह सुनकर वह पर्सन उन दोनों को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं काम को मारने के लिए एक पर्सन आता है और जब वह काम की नेक पर अपने सवार रखता है तो काम अपने साथ जो भी आज तक हुआ था वह उनके बारे में सोचने लगता है। लेकिन फिर हमें दिखाते हैं वह पर्सन ताई था। ताई अपने डैड पर गन पॉइंट कर लेता है। यह देखकर तो पोल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ताई अपने डैड से कहता है, मैंने कहा था ना चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। खाम ताई को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह उसे हक कर लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पर फूफा वायु और जाओ भी आ जाते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब फूफा ने वायु से पूछा था कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। इस पर वायु कहता है, मैं ऐसा प्रिटेंड करता जैसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं कुंफू का प्रेसिडेंट हूँ ना, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ये बस लोगों का कहना है। यह सुनकर फूफा वायु से कहता है कि चलो खाम को छुड़वाने चलते हैं। और अब सभी लोग खाम को बचाने के लिए आ जाते हैं। पोल का आदमी उनके पास जाने लगता है लेकिन पोल अपना हाथ खड़ा करके उसे रोक देता है। वो लोग बाहर आ जाते हैं। वो ताई से कहता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूंगा। तो ताई ओके कहता है और फिर वह काम को लेकर एक केव में आ जाता है। और फिर वह काम से कहता है कि हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं तो हम लोग कुछ देर के लिए यहीं पर रुकेंगे। काम ताई से कहता है, कहाँ थे तुम इतनी देर, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, और फूफा भी मुझे छोड़कर चला गया और तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए। क्या मैं इतना नाकारा हूँ जो सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यह कहते हुए काम रोने लगता है। ताई काम को हक करता है और कहता है, आई एम रियली रियली सॉरी। काम और भी ज़्यादा रोने लगता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।